बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ मशहूर मोची गेट पर, जो खलीफा खताई वालों की शॉप है वहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले जब आप एंटर होते हैं तो राइट साइड पर आते हैं तमाम केक्स, और बहुत ही कलरफुल थे। और मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी, बिकॉज़ मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतनी अच्छी वैरायटी होगी। विद ऑल द यू नो रोल्स थे यहाँ पर, और यहाँ पर पफ पेस्ट्रीज़ वगैरह भी थी, पिज़्ज़ा वगैरह थे, सैंडविचेस, और यहाँ काफ़ी वैरायटी थी इन सारी चीज़ों की। क्लब सैंडविचेस की, चिकन ब्रेड की, पैटिस की, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो चिकन पैटिस थे वो भी थे, ड्राई केक वगैरह भी थे, और जो मक्खन टॉफ़ी थी वो भी ऊपर पड़ी हुई है। ये सारा कुछ भी इधर था। यहाँ पर दो कैशियर्स हैं राइट साइड पर जिस तरफ मैं जा रही हूँ, और लेफ़्ट साइड पर एक कैशियर है, और इनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि यहाँ बहुत रश है। जिस से लोग ये लोकेशन पर है, मैं बहुत हैरान हो गई थी कि यहाँ पर फिर भी लोग आते हैं और ये बहुत चलती है माशाल्लाह। तो कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रिज़क दे उसका हर जगह नाम होता है। सो लोकेशन मैटर नहीं करती, रिज़क मैटर करता है, और जहाँ अल्लाह ताला तो पत्थर में भी जो है वो कीड़े को रिज़क देता है। तो बिल्कुल ये हिसाब तो खैर इनका अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, इनकी काफ़ी अच्छी बेकरी है। यहाँ पर हर तरह के आपको जो है वो बिस्किट्स मिलते हैं। यहाँ पर मेनली जब आप आएंगे ना, तो आपको यहाँ पर जो खलीफा खताई है ना वो ज़्यादा लोग लेते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आई देखा तो लोग और भी बड़ी चीज़ें ले रहे थे। बाकर खानियाँ यहाँ की बहुत मशहूर हैं, खजूर बर्फ़ी टाइप यहाँ पे चीज़ें, खजूर का की फीलिंग हुई हुई बिस्किट्स में, ये तमाम वो खताई है जो कि बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। और ये जिसके लिए हम भी ऑब्वियसली यहाँ आए थे, हम लोगों ने भेजना था बाहर कराची में कुछ दोस्तों को और रिलेटिव्स को, तो इसलिए यहाँ पर कराची से भी लोग दूर दूर से आते हैं। इसीलिए मैंने कहा व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस और आप लोगों से शेयर करूँ जो यहाँ को नहीं जानते। ये बहुत पुरानी है, लाइक बहुत सालों पहले, शायद मैं जब पैदा भी नहीं हुई तब की है, और इसीलिए ये जो लोग जानते होंगे इस बेकरी के बारे में, लाहौर में है ये, मोची गेट पे है ये। और थोड़ा सा आपको रास्ता पूछ के जाना पड़ता है, जिस एरिया में ये है वहाँ पर लोग प्लास्टिक काम वगैरह करते हैं, उसके टॉयज़ वगैरह देते हैं होलसेल रेट पे। उससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे जहाँ इमाम बारगा वगैरह है उधर ये आता है मोची गेट के रास्ते में। एंड दे हैव दिस अमेजिंग काजू बर्फ़ी एज़ वेल। तो आप यहाँ पर जितनी भी चीज़ ट्राई करेंगे वो सारी बहुत स्पेशल हैं और बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं वो खताई है इनकी, और खताई में बादाम भरा हुआ है, जितना ज़्यादा भरा हुआ है कैनॉट इवन स्ट्रेस दैट। इनके डब्बे वगैरह हैं यहाँ पर, सारी पैकिंग वगैरह है इनकी, इनके डब्बों में एक बड़ा वाला डब्बा भी है, किलो वाला भी है, दो किलो वाला भी है, हाफ़ के जी वाला भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये मैंने आपको ऑलमोस्ट कम्प्लीट रिव्यू दे दिया है इस जो है बेकरी का, और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको यहाँ आना, लेकिन यू कैन ईजीली कम हेयर। चाहे प्रेफर यही करूँगी बाइक पे आएँ या गाड़ी दूर पार्क करके पैदल आपको चलना पड़ेगा। सो अगर बाइक है आपके पास तो बाइक पे आप आ सकते हैं। अब इसका थोड़ा रिव्यू दिखाती हूँ। ये हाफ़ के जी का डब्बा मैं लेकर आई थी, और 900 रुपये किलो जो है, 1 kg आपको 900 रुपीज़ में यानी मिलेगी। तो अगर आपने हाफ़ के जी लेनी है वो जैसे पता 300 समथिंग की हो जाएगी। ये सारा इसका एड्रेस भी है और नंबर भी है, आप यहाँ कॉल भी कर सकते हैं। रात 11 बजे तक ये खुली रहती है, 11 से 12 बजे तक आई थिंक, लेकिन फिर भी आप लगता है फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। टोटल अप्रॉक्सीमेट टाइम 11 बजे का है। इसको मैं ओपन कर रही हूँ, और अब मैं आपको इस खताई का कि लोग क्यों इसके पीछे पागल हैं या क्यों इसको ज़्यादा पसंद करते हैं वो दिखाना चाहूँगी। इन्होंने अंदर एक नॉर्मल सा शॉपर रखा हुआ है, इसमें खताइयाँ होती हैं, एंड ये देखें मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ। प्रेफरेबल ये है कि आप इस खताइयों को किसी चार या बर्नी में रख लें ताकि ख़राब ना हो और ना कि कीड़ा वगैरह ये टाइट। ये देखें जी, ये मैंने खताई निकाली है और मैं इसको तोड़ के आपको दिखाऊंगी, एंड यू विल सी कि ये कितनी ज़्यादा भरी हुई है बादामों से। ये हमने उनको दी थी, एक हमारे जाने वाले थे, वो इतना फैट पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने जब ये खाई तो बहुत उनको पसंद आई। ये देखें, इसमें दो बादाम एक ही छोटी सी बाइट में लगे हुए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। फिर देखें, ये बादाम ही बादाम, यानी एक खताई में तकरीबन 10 से 12 बादाम तो होंगी। सो आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। ये फूड रिव्यू है और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आप यहाँ गए हैं कि नहीं। अल्लाह हाफिज़।